यमुनानगर में नैनो कार में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना यमुनानगर के भाटिया नगर की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और जिस कार में व्यक्ति का शव था उसकी पूरी तरह से जांच की। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान 40 वर्षीय नाथीराम के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके परिवार को सूचित कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक वेल्डिंग का काम करता था और कभी कभी यमुनानगर के भाटिया नगर स्थित भाटिया वेल्डिंग वर्क्स में काम करने आता था। कल भी काम करने आया था और रात को उसने वेल्डिंग शॉप के मालिक से उसकी कार की चाबी ली और उसमें सो गया और सुबह मृत अवस्था में मिला। दुकान मालिक का कहना है कि ऐसा लगता है कि इसमें इसने ज्यादा शराब पी ली, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं इस मामले में सिटी SHO कमलजीत सिंह ने बताया कि डायल 112 पर इस मामले की सूचना मिली थी कि कार में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिस सूचना पर हमारी पुलिस की कई टीमें पहुंची। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के नाथीराम के रूप में हुई है, जो यहां वेल्डिंग का काम करने आता था। रात ये कार में सोया था और सुबह मृत अवस्था में मिला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है और उसके परिवार को सूचित कर दिया गया है। जांच में आगे जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये नेचुरल डेथ लग रही है। मेरे हिसाब से तो दारू पीने से आप दारू बिक रहे। बताया जा रहा आपके शॉप पर काम करता था, कभी कभी लगा लेता था दाड़ी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे व्यक्ति की मौत हो सकती है? मेरे हिसाब से दारू पी, कल तो सहारनपुर से आया है, माँ को फोन कराया, 10 बजे घर से निकला था, तो कल संडे मंडे होता था हमारा। मैं तो सुबह आके 10 बजे देखा था, निकल नहीं रहा था, मेरा मार्केट वाले को बुलाया जी, तो फिर पुलिस बुलाई तभी खोली है गाड़ी। गाड़ी फिलहाल कहाँ गई है? मेरे ख्याल से हॉस्पिटल गया, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। इन्फॉर्मेशन मिली थी 112 से हमें कि एक डेड बॉडी मिली है, जो एक व्यक्ति रात गाड़ी में सोया हुआ था और प्राइम में फैसाई देखा जा रहा है, तो इसमें किसी टाइप की कोई बारी चोट वगैरह के निशान नहीं है। डेड बॉडी को मोजरी में रखवा दिया है और इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। सर कौन है, क्या पहचान हुई? ये UP का रहने वाला है और जिस दुकान पे काम करता था उन्हीं की गाड़ी है जिसमें ही सोया हुआ था। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।